सांसों को तुम मेरी ले तो ना जाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने फोन के स्क्रीन पर आ चुका हूं। फिर से लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, 900 लगा रेसो सेलेक्ट कर लीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम दे ऑप्शन, जिस भी इमेज पर एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिएगा। कोई भी इमेज आप लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी में इमेज लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इस वाले इमेज को सेलेक्ट किया, देन या 3D लाइन पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन कर लेंगे, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। मूव ट्रांसफॉर्म में जाइए, जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। इस तरह से इसमें एक इफेक्ट देना है इसके लिए। अब स्क्रीन पे टाइप कीजिए, प्लस का आइकन क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन से ऑडियो वाले सेशन में जाइए, जिस भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को ले लीजिएगा। ये वाली एरो पे क्लिक कीजिए एक बार तो लास्ट में आ जाएगा। इमेज को सेलेक्ट कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे टाइप कर दीजिए, आपका इमेज लास्ट तक आ गया। अभी इमेज में इफेक्ट देना है फ्रेंड्स, इफेक्ट वाले ऑप्शन हो जाएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। और सबसे पहला इफेक्ट जो हम देंगे तो यहाँ पे आपको मूवी ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा ऑक्सलेट वाला, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एंगल को 90 डिग्री कर दीजिएगा, मतलब 90 पे आपको इसे परफेक्टली लेकर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 पे ये रहा, थोड़ा सा और आगे जाएगा, और ये व्हाइट लाइन जो यहाँ पे कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक कीजिए, फ्रीक्वेंसी का 0.25 कर दीजिएगा, ठीक है, इतना पे सही रहेगा। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये मैग्नीट्यूड जो है 25 है, तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, 35 कर लीजिएगा। तो देख सकते इसका काम हो गया। ऑक्सलेट पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चैनल रैम का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा, यहाँ चैनल रैम पे क्लिक कीजिएगा। अब फ्रेंड्स आपके इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आपको एडजस्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे जी की जगह पे बी सेलेक्ट किया और मेरा जो बैकग्राउंड का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, काफी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। बस मुझे इतना ही करना था, आप अपना देख लीजिए, जो भी कलर आपको रखना है उस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ, देन यहाँ से बैक आएंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको एक टेक्स्ट की जरूरत है, तो लाइरिकल्स मतलब जो लाइरिकल्स आपका उसे टाइप करना है। तो सबसे पहले इसे प्ले करके देख लीजिए आप सॉन्ग जो है वो क्या लाइरिकल्स है इसमें। तो सांसों को तुम मेरी, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सांसों को एक जगह पे, तुम मेरी एक जगह पे स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर लेंगे सांसों को, ठीक है, एक लाइन में ये टाइप कर लिए। इसके बाद अलाइन करेंगे, रोबोट लोगो पे क्लिक करेंगे, और फिर से आप कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो फॉन्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया है तो आप चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, डैश ये वाला देख सकते हैं, डासिंटा ये वाला फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छा है, मैंने इसका लिंक आपको दे दिया तो आप इसे ले लीजिएगा। देन यहाँ पे ये 18 पीटी, तो इसे बढ़ाकर देख लीजिएगा कितना आप यहाँ पे रखेंगे तो सही लगेगा। इसके बाद इसका कलर जो है तो वाइट कर लीजिएगा, अब अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही इसका जो टेक्स्ट का कलर है साइज़ है उसे एडजस्ट कीजिएगा। कलर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरह से बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करने में सही लग रहा है, अब देख सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से इसे प्ले कीजिए और देख लीजिएगा फर्स्ट लाइन आपका खत्म कहाँ पे हो रहा है, सांसों को यहाँ तक आ रहा है, तुम मेरी इसके बाद। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देते हैं। अब क्या कीजिए, इस फॉन्ट का स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्क्रीन पे टाइप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपको दो ठो इमोजी ले लेना है, जो भी इमोजी आप लेना चाहे उसे ले सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मैं एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला ले लेता हूँ, देन इसके बाद अलाइन करेंगे, रोबोट पे क्लिक करेंगे, आईफोन फॉन्ट जो आता है इमोजी का, आईफोन इमोजी, तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा, मैंने लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद इसका साइज हम बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले इसका कलर यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो इसे ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसे लेकर देख लीजिए कहाँ पे रखेंगे तो ये सही लगेगा, तो यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रहने देते, राइट क्लिक करेंगे। अब नीचे वाला जो फॉन्ट है इसी के बराबर में आ जाएगा, ऊपर वाले इमोजी को सिलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा उसे कट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अब इमोजी में यहाँ पे हमें एक इफेक्ट देना है, तो फ्रेंड्स सिंपली इमोजी को सिलेक्ट कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, दोनों इफेक्ट दोनों में सेम इफेक्ट देना है, तो आप इसमें आ जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3D का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको फ्लिप लेयर पे क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग करना है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको इसके बीचों बीच आ जाना है, एक की लगा लेना है, 0 पे ये रहेगा, इसके स्टार्टिंग में यहाँ पे प्लस कीजिएगा और इसे 90 डिग्री कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे ही हमें रखना है, तो सिंपली इतना पे रखेंगे, थोड़ा और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इतना पे 90 डिग्री, और फिर इसके लास्ट में जाइएगा, यहाँ पे प्लस कीजिए और इसे माइनस में 90 डिग्री कर दीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसे कम करते हैं, और ये रहा यहाँ पे, तो ये हो गया। अब इसके इस साइड में आइएगा, दोनों की के बीच में कॉर्ड पे क्लिक कीजिएगा और इसे इतना पे कर दीजिएगा और इसे इतना पे कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी कॉर्व कर लीजिए, दूसरी साइड में आइए, 3 लाइन पे क्लिक करके पेस्ट कॉर्व कर दीजिएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फ्लिप कर दीजिएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा जो काम है इसका,
कंप्लीट हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसे आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है, इमोजी वाले में जाना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपका जो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। इसका जो फॉन्ट का लाइट से वो काफ़ी पतला लग रहा है, तो सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ बॉर्डर एंड शैडो में चलते हैं, स्टॉक को ऑन करेंगे, स्टॉक का कलर यहाँ पे व्हाइट कर देंगे, और फिर यहाँ से बैक आकर इसका टाइमिंग जो है 2.0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा मोटा ही आप दिखने लगा, आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे। तो अभी प्ले करने पे कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए क्या कीजिए, इस दोनों को सेलेक्ट कीजिए, ये वाली ऑप्शन पे टैप कीजिए, यहाँ पे कॉपी टू लेयर कर लीजिए, फिर ये लाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे आ जाइए और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके पेस्ट टू लेयर कर दीजिए। ठीक है, अब इसे एक बार फिर से प्ले कीजिएगा, देख लीजिए सेकंड वाला लाइट कल सबका क्या और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तुम मेरी यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आ जाइएगा, इस वाले को सिलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए तो आगे तक आ गया। फिर नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक कीजिए, इस वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए आगे तक आ गया। तो यहाँ पे सांसों को तुम मेरी, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में चलेंगे, जो पहले से लिखा हो उसे क्लियर कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे तुम मेरी। ठीक है, मेरी ये तो सही है, एन के जगह पर एम करना होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सांसों को तुम मेरी, अब राइट क्लिक कर लेंगे, राइट क्लिक करना है फ्रेंड्स, इमोजी वाले पे भी जाइएगा, यहाँ पे एडिट में जाइएगा और जो इमोजी पहले से यहाँ पे है उसे हम क्लियर कर देंगे और फिर नयू वाला इमोजी ले लेंगे, जो भी इमोजी आपको सही लगे उसे ले लीजिए, जैसे मैं ये वाला और फिर ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इसे एडजस्ट करना है जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे इस बार रख लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो अभी प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये इस तरह से। ठीक है, तो ये बीच वाला, ये जो बीच में है तो देख सकते हैं सेम यहाँ पे, और ये थोड़ा आगे चला गया तो दोनों अलग अलग यहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसे बीच में रखेंगे। बीच में रखने के लिए हम सिंपली क्या करना होगा, इस साइड में लाना होगा, यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन की मदद से हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें जो इफेक्ट लगा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या कीजिए, टेक्स्ट जो उसे सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइएगा, फ्लिप लेयर पे जाइएगा, यहाँ पे एक्सिस जो देख सकते हैं तो इसे हम थोड़ा बढ़ा देंगे, तो इसे मैं 45 कर देता हूँ इसमें सेकंड वाले में। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा, उसी तरह से जैसे यहाँ पे 45 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, तो फिर इमोजी में भी जाना है, यहाँ पे भी आपको इफेक्ट में जाकर फ्लिप लेयर में जाना है और इसका भी आपको 45 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये अभी आप देखेंगे ये तिरछा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये तिरछा थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से तिरछा की तरफ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब आपको इसके बाद वाले लाइन के लिए फिर से यहाँ पे आ जाना है, इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, पेस्ट लेयर करना है और इसका लाइन जहाँ तक होगा ले तो न जाओगे यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे आ जाइए, इस वाले को सेलेक्ट कीजिए, ड्यूरेशन पे क्लिक करके इसे क्लिक कर दीजिए, फिर इस वाले पे ड्यूरेशन पे, सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन के बदले ड्यूरेशन पे क्लिक करके इसे, अब आ गया। अब इसमें एक्सेस जो इसका है इसे आपको चेंज करना है, तो फिर फ्लिप लेयर पर क्लिक कीजिए, एक्सेस में आइएगा और इसे आप आगे तरफ बढ़ा लीजिएगा, 45 उसमें था तो इसमें हम 90 कर सकते हैं या फिर 60 कर सकते हैं, तो मैं इसे 90 रहने देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लिप होएगा इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। इसका इमोजी और भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, इसे जैसे वैसे रहने दीजिएगा और इसको 90 कर दीजिए, तो इस तरह से यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, इमोजी इस साइड में जा रहा है और टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3D टाइप का इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से पूरा लाइट का सब कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक डॉट पार्टिकल देना है, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा और फ्रेंड्स आपको डाउनलोड में सिंपली चले जाना है यहाँ पे डाउनलोड में, और डाउनलोड में जाने के बाद मैंने पार्टिकल वीडियो आपको दिया था, आप उसे ले लीजिएगा, मैं देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्टिकल वीडियो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो फ्रेंड्स इसे प्लस कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है, रोटेट वाले ऑप्शन में जाकर इसे 90 डिग्री पे इस तरह से माइनस में रोटेट कर देना है, फिर यहाँ से बैक आना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसे फिल कंप्रेशन कर दीजिए, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक करके लाइटन पर क्लिक कीजिए और इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। अब इसके लास्ट में आइएगा, इस वाले ऑप्शन पर टैप कर यहाँ से कॉपी कीजिए, फिर इस वाले ऑप्शन पर टैप करके पेस्ट कर दीजिएगा, ये थोड़ा छोटा है इसलिए, फिर म्यूजिक को सिलेक्ट कीजिए, म्यूजिक के लास्ट में आइएगा, जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उसे सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हमारा स्टेटस जो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, अब इस तरह से बना लीजिए, आप अपना लोगो वगैरह जो भी लगाना चाहे लगा लीजिए, वीडियो को एक्सपोर्ट करना ऊपर एरो पर क्लिक कीजिए, क्लिक करना एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चले फ्रेंड्स भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।